मम्मी, ओ मम्मी, रे वो पापा की बहू कहाँ हुआ? मम्मी नितिन भेजियो। क्यों? अब हगने में भी नितिन चाहिए गैल? इरे भेजो तो सही। फिर बाबू तेरे मारे तेरी भैंसन ने भी नवा दूंगा मैं। रे नितिन। हाँ मम्मी। देखियो कहाँ कह रहा है ये भर। बाबू तू होल्ड पर रहियो, अभी आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। ना ना फोन मत काटे, बस होल्ड पर रहियो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ बता कहाँ है? आगा तू? ना अभी ना आया, बता तू। तू तो लड़ते ही रहे बे, मैंने पूछ रहा हूँ ठीक है तू? ना ठीक ना हूँ, बुखार आ रहा हूँ 90 की स्पीड से, बता तू। यार मैंने कह रहा तो याद है एक दिन तेरे ड्रॉइंग में काम पूरा ना हो और मैंने तो मोर बना के दी। हाँ वही मोर, जब मोर की जगह मैडम ने देख के मेरा बत्तख बना दिया। फालतू बातें मत कर, अपना काम बता। भाई मैं लेटर में बैठ गया और पानी ना भरा मैंने, या मग्गम पानी भी ना, एक काम कर दे थोड़ा पानी घेर दे। हाँ तो कुछ तो पानी लाने के बैठा हूँ मैं यहाँ, है ना तू? अरे घेर दे, अरे घेर दे भाई। मम्मी अब कहा पापा बुलाऊं? तेरा पापा मत भेजो, तब मेरे मग्गे में पानी घेर दो। तो यूं मग्गा भर के ना बैठा जाता तब पे? तेरा भर के तो बैठा हूँ मैं, पर ये मग्गा में छेद हो रहा, फूट गई मग्गा, अब इस पानी निकल जा सारा। फिर इतना टाइम लगा रही क्यों है, जल्दी ना निकल सके? कल रात को छोले भटूरे खा लिए ना, ये हमारा टाइम लग रहा आज। छोले भटूरे खा लिए, पहले तो खा ले 18-18 पूड़न ने, फिर इनमें पानी घेरते डोलो। पानी ना मेरे धरे, सरफ का पानी है। सरफ का पानी है तो कोई बात ना, वही घेर दो, कीटाणु मर जाएंगे। कीटाणु मर जाएंगे, मैं ना मार दूं। मैं लो घेर दो मम्मी। ले ठा ले या। भर दियो मम्मी। भर दिया तो तुम उंगे देख लियो। तो ना देख रही मैं, उंगे ही देख रही हूँ। और तो ना चाहिए? हाँ हाँ बस थोड़ा और दे दो। ले ले। होगी ना हुई? एक बार और भर दिया मम्मी। अरे कितना पानी चाहिए तो? थोड़ा और दे दो। अब ना मिले, इतना ही है। थैंक यू मम्मी। आया बड़ा थैंक यू वाला। हाथ दबा दी मेरे। साबुन ले। तो पानी तो कह रहा हूँ। पता ना कैसे दस्त लगे रह वे इन्हें, पूरे दिन हगते ही रह वे। ए मम्मी 4-5 बेरी तो गेरूं बस। आज गेर दिया पानी, आज के बाद ना गेरूंगी, भर के बैठे कर। तो मैं नितिन से गिरवा लूंगा। अरे यार कल तो तू पीले सूट में ऐसा लग रही जैसा कतई सरसों, और लाल में ऐसा लग रही जैसे कतई टमाटर, हरे में तो कतई पत्ता गोभी लगे है तू। हाँ हाँ पत्ता गोभी खाएगा बेटा, आज मग्गा में पानी ना गेरा ना, कोई बात ना कल बारी तो तेरी भी आएगी। हाँ दादा देख लूंगा तो भी। कुछ ना थकने गया, पानी लेके ना बैठा। अरे किसको कह रहा हो तू? मैं अपनी बाबू से बात कर रहा हूँ। अरे वासु क्यों कह रहा हो तू? मैंने अपनी सेटिंग सुनू कह रहा कि मेरे घर में जेट स्प्रे लग रहा हो, वो बता देगी मेरी सेटिंग है। कोई बात ना मैं समझा दूंगा यार।
अब तो पता तो है ही गवर्नमेंट में कौन सा है जेट स्प्रे, स्प्रे तो है ना, जेट स्प्रे लगाएंगे। कमरा नंबर 3 राकेश 410 यूनिट। कमरा नंबर 4 पिंटू 220 यूनिट। कमरा नंबर 5 उदय इतना मेरी बाबू को 40 यूनिट, बहुत कम है यार। कमरा नंबर 6 सोनू 1200 यूनिट। अंकल जी हमारा यूनिट इतना कहे आ रहा है, हम तो कुछ चलाते भी नहीं है। पूरा मैं अपने आपसे बता रहा हूँ, जो मीटर बता के भाई तो लिखूंगा और तब भी तक। अंकल जी आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, हमारा इतना यूनिट क्यों आ रहा है? वो पंडित जी हैं उनका यूनिट तो 40 आ रहा है, उनके घर में कूलर है, पंखा है, बीवी है, दो बच्चे हैं। तो तू एक काम कर, तू भी अपनी बहू लिया, तेरा भी कमान लगेगा। अंकल जी इस महीने दे देंगे किराया, अगले महीने नहीं दे पाएंगे, मीटर चेंज करवा दीजिए हमारा। हाँ हाँ करवा देंगे। अंकल जी आपसे पहले भी बोले थे हमारे कमरे टोटी में से पानी टपकता रहता है, आप वो भी चेंज नहीं कराए अभी तक। पूरा हर बात पे टेंशन लेते रहो यार तुम, टपक रही तो कहाँ होगा, और टूटी के नीचे एक बाल्टी लगा देकर रात रात में भर जाए सुबह नहा लियो। और कमरे में पेंट उंट भी झड़ता रहता है, वो भी ठीक नहीं कराए आप अभी तक। पूरा 800 रुपया किराया दे रहा तू, कभी हम पुट्टी झड़ रही, कभी पेंट झड़ रहा, कभी छोटी टपक रही है, थमा थारी समझ में ना आ रही। किराया कमरे कहीं ताजमहल ना हो समझ गए। तो हाँ अंकल जी ये मीटर सही करा दीजिए, वरना हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर, अगले महीने से कमरा खाली कर देंगे आपका। राम राम जी। आओ कोई पांडे जी आ रही हो भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाई साहब? कुछ ना बस ठीक ही है। और देखो पांडे जी दिखाई ना दे रहे। वो तो अभी भी बाहर निकल गए किसी काम से, आते ही होंगे। आके कहा कराएगा ना वो ठीक है। क्या भाई साहब? कुछ ना मतलब करण दोनों जो कर रहे हैं पांडे जी, वो तू कहा लेना वो तो तमसु। अच्छा अच्छा आप किराए लेने आए थे। अरे यार किराया आज तो पहले लिया, मैंने कहीं तुम पशु किराया। नहीं नहीं भाई साहब, लेकिन अगर आप ले जाते ना किराया तो हम पे भी बोझ कम हो जाता है। किराया लेकर कहाँ करना, बहुत पैसा हमारे दूर है, दिक्कत मत लो, जब तक है हम मौत ले तम। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया कहो राकेश। अरे यार संडे है ना तो थोड़ा फ्री थे तो बाइक की सर्विस करवाने गए हैं। बस कौन सी शिफ्ट चल रही है? उनकी तो डे शिफ्ट चल रही है। अच्छा डे शिफ्ट चल रही है, मुझे तो नाइट शिफ्ट बहुत पसंद थी। है भाई साहब? पूरा मतलब जब मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ना तो मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। और कोई दिक्कत परेशानी तो ना? नहीं नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। नो नो कुछ भी हो रहा हो, कमरा में पपड़ी छूट रही हो, टूटी बूटी खराब हो रही हो, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा हो। नहीं नहीं भाई साहब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो किचन की टोटी थोड़ी ढीली हो रही है। वो तो बताई क्या सुनो अभी तक मैं देखूंगा झूठिया। अरे वो तो आज ही दिक्कत आई है। पूरा तो आज ही कैसे होगी बताई कैसे ना, मैं अभी के अभी प्लम्बर बुला देता। और हाँ तुम बताओ तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो ना? नहीं नहीं भाई साहब। नो नो बता दो, कभी बाहर खाने पेन पे सिल चला दी हो दीवार पे, अभी पेंट करवा दूँ एक मिनट में। नहीं नहीं भाई साहब सब ठीक है। हाँ बस ठीक ही रहना चाहिए। आ जाए भाई साहब चाय पी लीजिए। चाय ना चाय मैं पीता, मैं तो बस दूध ही पीऊँ। बस अभी तो टाइम हो रहा सेठ मामला। चलो ठीक है चलूँ मैं, रोम रोम दी। हाँ हाँ होया है। किराया ले आए? होया है। मैं भी नहीं पूछ रही हूँ किराया ले आए या ना। वह क्या कर रहा हूँ, होया है हाँ सू? होया है या ना होया है सू मो कोई मतलब ना है, किराया ले आए या ना। उड़ा सुबह सुबह पैसा ना मांगे जाते मो पे। तो सूदी सूदी कह दो ना लाए ना हो, और भाणी भी दे दो गैलम गैल है। वो सिलाई कर रही, वो खाना बना रही, वक आदमी ना घर पे मो शरम आ रही मांगने में। बता बता ठीक है
तुम पे ना मांगे जाता ना, अब मैं जाऊंगी मांगने। मो पे बहुत बढ़िया तरीके से मांगना आवे किराया। और नो नो, मैं मांग लाऊंगा। सुबह सुबह इतना मांगे जाते, अब तो दोपहर होने वाली थोड़ी देर में, मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत ना। कद लाओगे? सबकी आदत खराब कर रखी है तुमने। और वैसे भी दो कमरे कब से खाली पड़े हैं, वे ना भरवाए जा रहे तुम पे। रुक तो एक मिनट रुक। अरे ओ टोपा, बड़ा तो सुई कह रहा हूँ, तो सुई देखे तो पापा बुला रहे। अरे मोर बुला रहे, तो बुला रहे। अरे मो क्यों बुलाएंगे? अरे तू ही तो टोपा। अरे अच्छा, हाँ सही कह रहा हूँ। हाँ पापा। बड़ा इतना दिन होगा कमरा न खाली, वे परचौरा चुपकाए जा रहे तुम पे। जा रहे जा रहे, अभी जा रहे, दोनों जा रहे, दोनों जा रहे, अभी जा रहे। तो कौन है मारोगे फेंक कर, अगर न चुपके तो ठीक है। चिपकते रहेंगे, पहले किराया ले आओ तुम, वो पैसा उनकी जरूरत है। अरे रुक जाएगी तू, ना तेरे कमरे ना तेरा किराया है। ऊपर वाले मोटर लोई समझ में आ रही, तेरे मेरा भैया दुष्ट क्यों करवाया। इन सायरिन ने अपनी औलाद के सामने मारे करो, जब तुम्हारी बात पे की हंसते रहे। मैं ना हंसने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ किराया लेने। अरे माता रानी तू यहीं रुक जा, मैं ला रहा हूँ तेरा किराया, रुक जा तू यहीं। अरे आप चुपका दे, सही कह रहा हूँ तेरे भाई। हाँ ले आता गम भर दिया हमने पर्चा चिपका चिपका के, अब भी किराया जाना आवे तो बेकार। इरे अब क्या भर जाएंगे सारे के सारे, एक काम कर एक यहाँ और चिपका दे। आजा गांव में चिपकवा दे सारे पोस्टर, फिर आएंगे लूलू से किराएदार, बढ़िया जगह चिपकवा दो ना सिटी पार्क में, था आती बढ़िया कॉलेज की लवंडिया। काय भैया पर्चा चिपका रहे का? ना ना पर्चा कहाँ चिपका रहे, पतंग उड़ा रहे, आज उड़ा ले। अरे भैया तुम तो मजाक कर रहे हो, सही बताओ कमरा खाली होगा का? हाँ कमरा खाली है यार, पापा ड्यूटी पे लगा रखे पर्चा चिपकाने की। तो भैया जामे कौन सी बड़ी बात है, कमरा तो हम भरवा दिए। क्यों तू कैसे भरवा देगा? अरे भैया मैं मौसा कमरा ढूंढ रहे हैं। हैं? हाँ भैया। तो एक काम कर रहे थे भाई, या पापा से मिलवा दे रहे। और कल चल ले घर के घर में हो जाए किराएदार। हाँ किराए वराए पूछ लियो, चल चलो भैया। हम भी तो यही तलाश में लग रहे हैं, किराएदार मिले तो कम से कम बढ़िया मिले। पापा के पापा जी नमस्ते। अंकल नमस्ते। नमस्ते कर रहा जी। बड़ा सुबह रसू तीन बजे मिल लिए दरसू, अब हो रही है नमस्ते। आज तो पैसा गिने जा रहे हैं, कौन सो आगे किराया लेके आया हूँ। तो एक काम करो एक नोट हमें भी दे दो, कुछ तो इस आमदन को भी है इनमें। दुआऊ पैसा ठू तो देखे नाली मारूंगा फेंक के, हर टाइम देखो तो पैसा पैसा। कोई बात नहीं मत दे, हो ज्यादा दिन फंसोगे वा दिन तो दोगे ही। अरे छोड़ ना यार तू भी। पापा कमरे को किराएदार लेके आया हूँ। किराएदार क्यों, अब ये मस्तानी हर रहेंगे वो मैं? ए ना ना पापा मस्तानी हर न रह रहे, या के रिश्तेदार हैं। तेरा कौन सा रिश्तेदार है तेरे? बे नहीं है भाई, मौसी। मौसी? अच्छा उई कानपुर वाली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बुला बुला रहे। अरे अंकल मौसी नहीं रहे हैं, वे नहीं है मौसी के, मतलब हमें मौसा उनकी नौकरी यहीं लग गई, तो वे कमरा ढूंढ रहे थे, हमने सोची तुम्हारे कमरा खाली है तो यहीं रह लिए मौसा। मौसा तो बताओ, जब से निकला मेरा पेट मैंने बंद कर दिया चाय बिस्कुट और समोसा। वाह पापा जी वाह, ये तो शायरी होगी। हाँ हाँ शायरी है, सुनो सुनो सुनो। जब से निकला मेरा पेट मैंने बंद कर दिया चाय बिस्कुट और समोसा, तेरी मौसी आके चाहे हम फ्री में रह ले रहे, यहाँ भटकना जाना चाहिए तेरा मौसा। अब ठीक है बढ़िया सी किराएदारी ढूंढ कर लाइयो। ठीक है पापा ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, जाओ चल रहे चल मौसा आने लगा। ग्यारह हजार बारह हजार पचास, अब कहते पूरा दे दिया टाइम पे। यू कहे को फोन कर रहा है? फोन है? हेलो कहा हुआ, लड़ाई होगी? आ रही हूँ मैं, रुक तू आ रही हूँ।
संभाले जाते, कैसे लड़ भिड़ रही है वे। मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ। तू रुक जा, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे बस की होती ना तो मौके फोन ना आते, दो बार चले गए तुम। अरे बाबू तू रुक जा, तुम मत जाओ, मैं चला जाऊंगा। अरे रहन दो तुम। अरे मैं चला जाऊंगा, रुक जा। अरे जाओ जाओ, डरते नहीं है, देख लेंगे। हाँ तो हम भी नहीं डरते, हम भी देख लेंगे। अरे देख लेना, दिखाती हूँ तेरे को मैं। तेरे में दिखाने लायक है क्या जो दिखाएगी? अच्छा, तब ये तेरा कलुआ पति घूरता रहता मुझे पूरे दिन भर। बोल बोल। अरे बहन जी, आप हमसे ऐसे बात मत कीजिए। मेरे पति से ना ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, देखो कैसे पलट गया, बीवी के सामने बहन जी, और वैसे पीछे बोलता है भाभी जी। सब जानती हूँ मैं तुम दोनों को। चार किराएदार ना संभलते तुम पे, यू काम भी वो ये करना पड़ेगा। आज भगाई दूंगी ने। अरे चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। कैसे आप हथी आ गई, कैसे शोर मचा रखा है तुमने? अरे दीदी, जीना हराम कर रखा है इसने हमारा। अच्छा, मैंने कर रखा है या तुम दोनों ने मिलके मेरा जीना हराम कर रखा है? किसने किसका जीना हराम करा है वो तो मैं बताऊंगी, पहले नु बता हुआ कहा है। अरे दीदी क्या ही बताऊं मैं आपको, ये लोग रोज सुबह अपने घर के सामने पानी से सफाई करते हैं, अपनी जगह तो साफ कर लेते हैं, मेरे घर के सामने पूरा गंदगी मचा देते हैं और ऐसे झाड़ू लगाते हैं ऐसे ऐसे करके कि मेरा पूरा पर्दा छिटक जाता है। और दीदी ये आदमी गोरा होने के लिए इतना नहाता है कि सुबह उठते ही 8 बजे पूरी टंकी खाली कर देता है। दीदी आप ही बताओ, घर में सफाई ना करे क्या? खुद तो सफाई करती नहीं, यही खड़े होकर पूरे दिन बाल झाड़ती रहती है। इतने बाल टूटते पूरे मेरे घर में बाल जा रखे हैं। अरे हम तो टिफिन में भी इनका बाल लेके जा रहे हैं। अच्छा अब ये भी बोलेगा। अरे दीदी इस पापी की करतूते तो मैं बताती हूँ। अपनी बीवी के सामने बोलता है बहन जी, और वैसे पीठ पीछे बोलता है भाभी जी, और मुझे ऐसे ऐसे इशारे करता है। इशारे कर रहा हूँ, इशारे, वो भी मेरी बहन जी की बहू है। यू कौन चला जाना बिल्कुल भी। रहन दो जी, रहन दो आप। अरे ऐसे कैसे रहन दूं, 1 साल हुआ जाके ब्याह, अपनी बहू पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उनकी बहू ने देख रहा हूँ। अरे हमें कितना लॉयल है, 20 साल होगा हमारा ब्याह, आज तक भी काई की बहू है, गंदी नजर अनसु देखो, जहाँ भी देखो अच्छी नजर अनसु देखो, बस बस बस, ज्यादा अच्छी नजर अनसु देखने की जरूरत ना, पता कितनी भली नजर है तुम्हारी। और हाँ तुम दोनों ज्यादा चिक चिक मचा रखी है, कमरा खाली कर दो, कल जू गदर मचा रखा, किराया टाइम पे दिया ना जाता। दीदी ऐसी बातें मत बोलो प्लीज, हर बार टाइम से किराया निकाल देते हैं लेकिन भाई साहब ले जाने के लिए मना कर देते हैं। आज सुबह भी किराया दिया, मना कर दिया। हैं? ये किराया ना लेके गए तुम आज? नहीं दीदी, आज तो छोड़ो, इन्होंने तो कभी भी किराया नहीं लिया मुझसे। अच्छा समझ गई, झाड़ू दे, बहुत होगी सफाई, कुछ ज्यादा अच्छी नजर सुना देख लिया। बाबू बोलो, घर चल के बात करें ना, बात तो अभी हुई होगी। बाबू वे बहुत गरीब है, मौन पर तरस आ गया। लेकिन मौत हम पे तरस ना आने का। अरे डाका पड़ क्या रे, मैं लुटकी भरे बाजार में। राम राम जी। दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर पहले लाइक करो और कमेंट करके बताओ आप सबको वीडियो कैसी लगी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आपको शायरी कैसी लगी, डायलॉग कैसे लगे, और ये जरूर बताओ कि आपको वीडियो कितनी देसी लगी। बिल्कुल देसी तरीके से बनाइए इस बार, समझ गए ना? हाँ। आप सबको पता है हम लोग सबसे पहले उसी चीज पे काम करते हैं कि आप सबको वो देखने को मिले जो कहीं ना देखने को मिलता हो। आपको पता है पहले मिनट से लेके लास्ट तक आपको ऐसा मिला होगा कि नेचुरल चीज है, गाँव की देसी चीज है, क्या होती है वो देखने को मिली होंगी। जैसे कि सबसे पहला सीन कैसा लगा हमारा भी फेवरेट है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक बिल्कुल दे रखा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे जाके जल्दी जल्दी फॉलो करो एकदम तेजी से, और दोस्तों वीडियो को शेयर करो, टीवी पर चला के 10 बार नहीं सबको देखो। और सुनो आपको पता है आप लोग फिल्म देखे आते हो, पैसा लगते हैं 200-250 रुपया, यहाँ पैसा ना लगते हैं पर घर के अंदर दिखाए करो, अकेले अकेले मत हंसे करो, पूरे घर हंसाए करो, ठीक है जी? तो आप लोग हंसते रहो, हम हंसाते रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 14 मिलियन होने वाले, जल्दी सब्सक्राइब पर लाल बटन पर फेंक के मारो, 14 मिलियन अभी हो जाना चाहिए आज के आज ही। तो फाइनली क्या, आप हंसते रहो, हम हंसाते रहेंगे। राम राम जी।